वहीं कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में निर्मित डायलिसिस कक्ष का अवलोकन किया, जहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने ये भी बताया कि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने से जिले के विकास में एक कड़ी और जुड़ गई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर चर्चा की और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों का संवेदनशीलता के साथ इलाज करने के निर्देश दिए। मुंगेली जिले के लिए निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में मौजूद तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने मरीजों से बात की और इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को यह निर्देशित किया कि डॉक्टर संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करें। पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि। एक महीने पहले जब हमारे द्वारा विजिट किया गया था जिला अस्पताल का, तो वहां पर डायलिसिस यूनिट स्टैब्लिश करने की हमने प्लानिंग करी थी और उसमें अपने विभाग के अधिकारियों को लगाया था। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ जो मुख्य काम है, क्रिटिकल काम है, वो रुके हुए थे। तो उसमें हमने अपने पीएचसी की टीम, ईएनएम की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाया। उसमें वित्त सहायता भी इनको उपलब्ध कराई गई। जल जीवनदीप समिति की टीम को भी एक्टिवेट किया गया था और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में हमारी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है और आज पहला डायलिसिस जो सफल रहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली। इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। कितने लोगों को? इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। कितने लोगों को? इसकी उपलब्धि यह है कि अब बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं, ऐसे ही उनको पैसा बहुत लगता है, वहन करने पड़ती है बहुत अधिक राशि, तो अब उससे भी बचेंगे क्योंकि निःशुल्क सुविधा रहेगी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंगेली जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। कितने लोगों को? इसकी